एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप एट अ टाइम अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट या फिर ग्रुप ऑफ यूजर आपके गूगल क्लासरूम के अंदर किस तरीके से ऐड कर सकते हो। अगर आप लोग एक जी सूट यूजर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे अकाउंट के अंदर ऑलरेडी कुछ क्लासेस यहाँ पर क्रिएट किए हुई है और यहाँ पर मैं एक न्यू क्लास यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। इस क्लास को मैं नाम दे देता हूँ डेमो और इस क्लास के अंदर मुझे कुछ स्टूडेंट्स ऐड करने हैं। अब मान लो अगर आपके क्लास के अंदर 40, 50 या 100 स्टूडेंट है तो अगर हर एक स्टूडेंट को आप यहाँ से इंडिविजुअली इनवाइट करोगे तो बहुत ही टाइम इसमें लग जाएगा एंड इट विल बी अ काइंड ऑफ बोरिंग टास्क। और इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज यू कैन ऐड a group of student at a time, you can invite group of student at a time inside the class. तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे invite करना है। तो यहाँ पर एक Excel के अंदर मेरे पास सारे students के email ID मैंने यहाँ पर एक column के अंदर लिखे हैं। तो यहाँ से वो सारे email ID हम लोगों को copy कर लेने हैं और यहाँ से आप लोग यहाँ पर वो email ID सारे पेस्ट कर देने। तो जैसे ही आप लोग ईमेल आईडी पेस्ट करोगे आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा ऐड रिसिपिएंट्स, इसको आपने क्लिक करना है। ये कंप्लीट लिस्ट आपको यहां पर मिलेगी ईमेल आईडी की एंड यू विल सी द बटन दैट इज इनवाइट। तो आप लोग देख सकते हो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स यहां पर इनवाइट हो गए इस क्लास के अंदर। लगभग 50 से 60 स्टूडेंट नो यहां पर almost more than that you can see 95 students we have invited. तो एक जी सूट यूजर को जो इन्विटेशन का लिमिट होता है वो बाई डिफॉल्ट अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 इन्विटेशन जी सूट यूजर कैन डू इन अ डे। सो दैट इज इनफ फॉर एनी जी सूट यूजर। आप जितने चाहे उतने स्टूडेंट्स एक साथ आपके क्लास के अंदर एड कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।